हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज अपने हम इस वीडियो में अपकृत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पे बात करेंगे। जैसा कि अपकृत की परिभाषा पूछता है कई बार एग्जाम में, तो जो अपकृत की डिफिनेशन दी गई है वह परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 2 में दी गई है। और कई बार यह क्वेश्चन पूछता है कि लॉ ऑफ टार्ट और लॉ ऑफ टार्ट्स किसकी पुस्तक है। जैसा कि लॉ ऑफ टार्ट्स आप देख रहे हैं, ये विनफील्ड की है और लॉ ऑफ टार्ट्स सामंत महोदय की है। और कई बार ये पूछा जाता है कि दोनों विधिवेत्ताओं की दो जो पुस्तक है, लॉ ऑफ टार्ट और लॉ ऑफ टार्ट्स, उन दोनों पुस्तकों में अंतर किसका है। तो उन दोनों पुस्तकों में अवधारणा की भिन्नता का अंतर है। एक क्वेश्चन ये भी कई बार पूछता है कि यूबी जस इबी रिमेडियम, अर्थात इसका तात्पर्य क्या होता है। तो यूबी जस इबी रिमेडियम, इसका तात्पर्य है कि जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार भी है। इस सिद्धांत को सबसे पहले एसबी बनाम व्हाइट 1703 टू एलडी रेमन 938 के बाद में न्यायाधीश होल्ट ने प्रतिपादित किया था। और इस सिद्धांत को विनफील्ड महोदय ने इसको वैध माना, इसका समर्थन भी किया था। जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार है, जैसा कि हमने जो आपको बताया कि जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार है, इस सिद्धांत का समर्थन विनफील्ड महोदय ने किया था। उसके बाद एक क्वेश्चन और आता है, अपकृत्य असीम और अनंत है, यह न तो सीमित है और न ही नियंत्रित है, यह किसने कहा था। तो यह न्यायाधीश प्राट महोदय ने कहा था। कठोर दायित्व के सिद्धांत की बात आती है कि कठोर दायित्व का सिद्धांत किस केस में आया था, कहां से प्रतिपादित किया गया था। तो जो कठोर दायित्व का सिद्धांत है, यह रायलैंड बनाम फ्लेचर के बाद में 1868 में प्रतिपादित किया गया था। उसके बाद पूर्ण दायित्व का सिद्धांत, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का सिद्धांत, एमसी मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के बाद में इसको स्वीकार किया गया कठोर दायित्व के स्थान पर। उसके बाद जो कपोत खाने का सिद्धांत है, उसको सामन महोदय ने दिया था, कपोत खाने के सिद्धांत को। अगला क्वेश्चन ये है कि अब सामन ने क्या कहा। सामन ने अपकृत में हेतु का दूरस्थ आशय बताया था। तो अगर ये पूछा जाता है कि अपकृत में हेतु का दूरस्थ आशय किसने बताया, तो अपकृत में हेत का दूरस्थ आशय सामन महोदय ने बताया। उसके बाद अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपकृत विधि में हेतु विसंगत है, या किस केस में कहा गया, तो अपकृत विधि में हेतु विसंगत है एलन बनाम फ्लड के बाद में यह कहा गया कि अपकृत विधि में जो हेतु होती है उसका कोई महत्व नहीं है, वह विसंगत होती है। उसके बाद विल्सन बनाम डाउन्स के मामले में क्या कहा गया, विल्सन बनाम डाउन्स के मामले में कहा गया कि अपकृत्य में आशय से संबंधित महत्वपूर्ण वाद जो है वह विंस बनाम डाउन्स का मामला है। यानी ये किससे संबंधित है, ये टार्ट के अंतर्गत इंटेंशन से संबंधित है। बात आती है वैकेरियस लाइबिलिटी की। वैकेरियस लाइबिलिटी होता क्या है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो व्यक्ति कोई भी एक्ट करता है उसके लिए वही लाइबल होता है। लेकिन वैकेरियस लाइबिलिटी में क्या होता है, इसका सामान्य नियम यह है कि जो व्यक्ति किसी व्यक्ति के नियंत्रण के अधीन कार्य करता है, तो वह अगर कोई भी एक्ट करता है, कोई भी ओमिशन करता है, तो उस ओमिशन के लिए वह लायबल न होकर जिस व्यक्ति के नियंत्रण में कार्य कर रहा है, जिस व्यक्ति के अंतर्गत वह कार्य कर रहा है, उसको लायबल ठहराया जाता है। इसी को प्रतिनिधिवाद कहते हैं। प्रतिनिधिवाद दो सूत्रों पर आधारित है, फेसिट क्वा फेसिट पर एलियम फेसिट पर से, अर्थात दूसरे के माध्यम से किया गया कार्य अपना कार्य माना जाता है। अर्थात जो व्यक्ति दूसरे के माध्यम से कोई कार्य कराता है, तो उस व्यक्ति के द्वारा किया गया कोई भी कार्य स्वयं जो व्यक्ति करा रहा है उसके द्वारा माना जाएगा कि स्वयं उस व्यक्ति ने किया है, अर्थात स्वयं स्वामी ने किया है। और एक सिद्धांत पर आधारित है कि रेस्पोंडेंट सुपीरियर, अर्थात प्रधान को उत्तरदायी होने दो, अर्थात प्रमुख को उत्तरदायी होने दो। उसके बाद एक अगला आप देख रहे हैं, इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज़ का मामला है। तो इसमें जो है, लॉर्ड पियर्स महोदय ने कहा कि प्रतिनिधिक दायित्व का सिद्धांत व्यवहारिक रूप से सामाजिक सुविधा तथा न्याय पर आधारित है। अगर यह पूछा जाता है किस वाद में कहा गया, तो आप बताएंगे इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज़ के मामले में कहा गया था। तो फ्रेंड्स, ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। और हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।